नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वो गाड़ी आप मिरर देख के, लुकिंग ग्लास देख के आप पीछे कैसे ले सकते हैं, तो उसके इसी टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे आज। और ये जो साड़ी आप देख पा रहे हैं ये आप हमको आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे जो कैमरा लगाना है वो मुझे सिर पे लगाना है। एंड ये जो साड़ी मैंने आज वेयर किए हैं इसका जो ड्रैपिंग वो दूसरे चैनल में आ गया है, तो आप लोग उसका चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं गाड़ी को मैंने ऑन कर लिया है, ओके, और गाड़ी की जो साउंड है वो मैंने म्यूट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ये जो राइट साइड का मिरर है उसे आपको सेट करना है कि आपको नीचे दिखे, ठीक है। नीचे का पोर्शन आपको दिखना चाहिए इस तरह से। अगर आप चाहते हैं तो इसको और भी नीचे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्विच होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये राइट साइड करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, और भी नीचे आप सेट कर सकते हैं ताकि आप देख पाए कि टायर किधर है और गाड़ी कौन सी साइड में कहाँ से जा रहा है, ठीक है। आपको पूरी तरह से दिखेगा कि जगह है या नहीं, वहाँ पे आप जा सकते हैं या नहीं, लेकिन गाड़ी को इस तरह से मत सेट कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे, अगर इस तरह से आप सेट करेंगे ना तो आपको ऊपर ठीक से दिखेगा नहीं, मतलब गाड़ी की जो पहिया वो दिखेगा नहीं और आप ठीक तरह से पीछे कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा इसको थोड़ा नीचे की ओर करके उसके बाद आप इसको पीछे कीजिए, तो इसमें आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कि कितना जगह है और कितना नहीं है, ठीक है। सेम साइड में सेम चीज़ आपको लेफ्ट की ओर भी करना है। देखिए यहाँ पे भी मैंने इस तरह से सेट करके रखे हैं कि आपको नीचे की पोर्शन दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, लेफ्ट ले रही हूँ, ये देखिए, इसको आप और भी नीचे कर सकते हैं ताकि आप पीछे पूरा दिख जाए, ठीक है। और भी इसको भी थोड़ा सा आप साइड कर सकते हैं, एकदम आपका मतलब पूरा साइड आपको दिखेगा, नीचे का पोर्शन दिखेगा, पीछे का पोर्शन पूरा दिखेगा कि कितना जगह है कितना नहीं। इस तरह से मैं सेट करके अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ। अब हम धीरे धीरे करके जाएंगे, देखेंगे कौन सा साइड में गाड़ी की जो पहिया वो जा रही है। थोड़ा मैं लेफ्ट लूँगी, थोड़ा मैं लेफ्ट लूँगी। एंड अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि वो ज़्यादा ही लेफ्ट नहीं, यहाँ पे लेफ्ट मतलब राइट हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सीधी करूँगी सबसे पहले। यस, अब गाड़ी की सीधी हो गई है तो मैं टायर को मैं सीधा करूँगी। टायर को सीधा है या नहीं हम अंदर से देखेंगे। हाँ, टायर तो हमारी सीधा है। अब हम पीछे करेंगे धीरे धीरे करके, ब्रेक से पैड बिल्कुल नहीं हटाना है ताकि कोई भी ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, थोड़ा हम मेरा लेफ्ट लूँगी, ओके। हाँ, अब देखिए जगह ठीक से बन गई है, मैं फिर से टायर को सीधी करूँगी, ओके। एंड मैं पीछे की ओर जा रही हूँ। अब मुझे मेक श्योर करना है कि साइड में जगह है कितना। हाँ, साइड में तो अच्छी खासी जगह है, फिर भी हम थोड़ा सा मेरा जो लेफ्ट है उसमें ज़्यादा जगह है, तो मैं थोड़ा इस तरह से करूँगी। गाड़ी को सीधा कर लिए है मैंने। अब आई होप कि गाड़ी आराम से निकल जाएगी। यस यस यस, वाओ। तो गाड़ी मैंने देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ दोनों मिरर को देखे हैं और दोनों मिरर को देख के मैं इस तरह से निकाली हूँ गाड़ी को। तो ये मुझे, ये बहुत छोटा सा था, आई नो कि बहुत छोटा सा वीडियो था, बट ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी देखिए मैं जब अंदर भी करूँगी तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि दोनों साइड का जो मेरा गेट है उसके बीचों बीच से मुझे जाना है, ठीक है, एकदम बीचों बीच से मुझे जाना है। तो हम ये पकड़ के चलेंगे जो मेरा गाड़ी का जो ये बीच का ये वाला पोर्शन ये इसका मिडल है, तो इसको मिडल पकड़ के हम गाड़ी को अंदर घुसाएंगे, ओके। तो इसको मिडल पकड़ के मतलब इसका यहाँ पे मेरा लेफ्ट का जो टायर वो मेरा यहाँ पे है, तो उसको हमें इस तरह से लेके जाना है कि ये जो है ये हमारा गेट में ना लगे। और राइट साइड का ये जो स्टीयरिंग है इसको पकड़ के हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट साइड का जो टायर वो हमारा यहाँ पे है,
तो इसको भी हमें लगने नहीं देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को रखे हैं, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाड़ी पीछे जा रही है तो हम थोड़ा सा हैंड ब्रेक लगाए हैं। और फिर क्या करेंगे, जब क्लच हम छोड़ेंगे और एक्सेलरेशन करेंगे तो उस टाइम में हम जो हैंड ब्रेक है उसे हम छोड़ दिए। तो देखिए अभी गाड़ी और पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। तो अभी हम जैसे गाड़ी को सीधा सीधा घुसाएंगे, सीधा सीधा, ये देखिए कि हम इस तरह से घुसाएंगे कि ये जो हमारा टायर है, लेफ्ट टायर, जो कि इल्यूजन्स भी बोल सकते हैं, बट हम लोग इसी तरह से आप बैठेंगे तो पकड़ के चलना है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा टायर है, तो ये दो टायर को हमें एकदम बीचों बीच रख के चलना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको ORBM भी देखना है, और मतलब दोनों साइड का लुकिंग ग्लास भी आपको इस तरह से देख लेना है कि वो फंसे नहीं। एकदम बीच में से अगर हम जाएंगे तो गाड़ी हमारी नहीं फंसेगी। तो हम देखिए बहुत ही आराम आराम से यहाँ पे घुसाएंगे। तो देखिए, और ये गेट जब आपकी हो जाती है मतलब पार हो जाती है तो उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम आराम से गाड़ी को एकदम सीधा, हमेशा टायर जो है वो हमारी सीधी होनी चाहिए। तो सीधी होने से क्या होता है कि हम लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए गाड़ी थोड़ी पीछे आएगी, बट मुझे और थोड़ा आगे करना है क्योंकि जामुन का पेड़ से ना पीछे बहुत जामुन का वो गिर रहा है। तो मैं इसको हैंड ब्रेक मैंने लगाया है, और फिर से मैं क्लच छोड़ूंगी, एक्सेलरेशन दूंगी, और देखिए अभी और ये सामने ही जाएगा। ओके, हाँ थोड़ा आगे की ओर, बस स्टॉप। अब पहले हम हैंड ब्रेक देंगे, हैंड ब्रेक देने के बाद हम ब्रेक से पैर हटा देंगे तो गाड़ी और पीछे जाएगी नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने सिर पे लगाए थे तो थोड़ा सा बाल इधर उधर हो गया है। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बट आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग ना लुकिंग ग्लास को ठीक से सेट नहीं कर पाते हैं और पीछे हम लोगों को जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को अगर आप लुकिंग ग्लास को ठीक से सेट करेंगे ना तो आप आराम से पीछे गाड़ी को ले सकते हैं। आपको इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। क्योंकि अभी का जो गाड़ी है, मेरा पुराना जो गाड़ी था ना, उसमें इतना अच्छी तरह से नहीं दिखता था, बट अभी जो गाड़ी है, अभी जो गाड़ी में जो मिरर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइज, आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा वीडियो डिले आएगा, थोड़ा सा कम ही वीडियो आएगा, 2 साल तक ऐसा ही चलेगा। आई एम रियली रियली सॉरी, अगेन आई एम रियली रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी, एंड थैंक यू सो मच, बाय।